लोग 20-22 दिनों से आप लोग गर्दनी विभाग धरना स्थल पे थे और आज यहाँ पर आए हैं, तो क्या लगता है सरकार आपकी बात सुनेगी? जब हम लोग अंदर घुसे थे, हमारी कुछ बहनें उनको देखी है, जो पहले से देखी हुई थी वो बता रही थी कि हम देखे हैं, लेकिन वो हम लोग जब अंदर गए हैं और हम लोग को बुलावा आया, जब हम लोग ऊपर गए हैं तो उनके जगह पर उप निर्देशक सर से हम लोग की बात कराई गई है। हम लोग अपनी मांगों को उनके समक्ष रखे हैं, उन्होंने बताया है कि आपकी मांगे जायज है और हम पूरी तरह से आपका समर्थन करते हैं। आपका आवेदन हम ईडी सर तक आज ही पहुंचाएंगे, आपकी मांगों पर विचार विमर्श करेंगे और आप लोगों को मिलवाएंगे भी उनसे। क्या लगता है ईडी सर से आज मुलाकात नहीं होगी तो क्या फिर इतना ही टीम लेकर आप जाएंगे या फिर? बिल्कुल टीम जाएंगे, बिल्कुल। जब तक वो हमसे नहीं मिलेंगे, हमारी मांगों को नहीं सुनेंगे, तब तक हम लोग वहाँ जाते रहेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। क्या लगता है अभी संख्या कुछ कम नजर आ रही है तो यहाँ धरना जारी रहेगा या फिर आप रोज रोज वहाँ जाएंगे? नहीं, हमारी हड़ताल जारी रहेगी और हम लोग 4-5 आदमी जाकर वहाँ उनसे मिलते रहेंगे। आप क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे बिहार में जो एनएम की जितनी भी बहनें उनको क्या संदेश? मैं अपने पूरे बिहार के एनएम बहनों को संदेश देना चाहती हूँ कि बहनों, ये हमारे हक की लड़ाई है और ये 10,709 की नहीं, ये 34,000 की लड़ाई है। सभी बहनों अभी से जागो और अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। जब तक लड़ोगी नहीं तब तक मिलेगा नहीं, क्योंकि इतिहास गवाह है, लड़ने से ही मिलता है। भूखे को जब तक भूखा रोएगा नहीं उसको भोजन नहीं मिलेगा, इसलिए जब तक अपने हक को लिए लड़ोगी नहीं भारी पड़ेंगे। अगर नारी ना रख जल जाएगी ये लोग जगा देंगे। हम भारत की नारी हैं, हम भारत की नारी हैं, हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे जायज है। किसी देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी, किसी देनी होगी, देनी होगी। काम करें, हम लोग को परमानेंट करना जरूरी है। सरकार को जितना जल्दी हो सके हम लोग को काउंसलिंग करा करते हैं, जितना संविदा बने हैं सभी को अविलंब काउंसलिंग करा के नियुक्ति पत्र बांटा जाए, अविलंब, उसमें अब देरी नहीं होनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री को यही कह रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री नहीं बने, स्वास्थ्य मंत्री बनकर रहे, हमारी मांगे जायज है, हमारी मांग को पूरा करके रहे। जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगा हम लोग आंदोलन जारी रहेगी। आप लोग लगातार 20 दिन से धरना स्थल पे थे, आज 10वां दिन है, 10वां दिन है। हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हमारे मांग के लिए जो करना होगा करेंगे, चक्का जाम करेंगे, अनशन करेंगे, लेकिन हम लोग कंटिन्यू धरना जारी रहेगा। मुख्यमंत्री कहते हैं आपके, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री हो या स्वास्थ्य मंत्री हो, हमारी मांग उनको तक पहुँच गई है। हमारी एक सूत्रीय मांग है कि बहुत साल तक वैकेंसी निकाली गई है, टेस्ट के नियमावली नहीं चलने देंगे। अब कहते हैं कि टेस्ट के नियमावली चल लेंगे, हम लोग को काउंसलिंग लेके परमानेंट नियुक्ति दिए। बस हमारी एक सूत्रीय मांग है कि सिर्फ हमको काउंसलिंग लेके परमानेंट नियुक्ति दे। हम लोग डॉक्टर नहीं है कि 10-15 वर्ष हम लोग खट रहे हैं उसके बाद हम एग्जाम देंगे, ऐसा कहाँ का नियम है? ये सरकार की दोहरी नीति है। हम लोग का हड़ताल का 22वां दिन है, अभी तक ले हम लोग के बातों पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। आज हम लोग अपने ईडी सर से मिलने आए हैं, जगह जगह दरवाजा खटखटा रहे हैं। हम लोग
सुनने वाला कोई नहीं है। हम लोग उनको भी सुनाने आए हैं, लास्ट में अगर हम लोग को कोई नहीं सुनेगा तो हम लोग आपका नाम पर बैठेंगे। मतलब कि सरकार के कान में बात तक नहीं गई है, आप चाहती हैं सरकार सुने की बात को? बिल्कुल, धरना स्थल में बैठने से काम नहीं चलेगा, नहीं चलने वाला है। तो आज आपको क्या लगता है यहाँ पे आने का काम बनेगा? बिल्कुल, अपने बातों को उनको अवगत करवाने आए हैं, जो हमारी मांगे हैं उनको भी बताने आए हैं। अभी तो हम लोग कोई सुनने वाला नहीं है, मैं उनको सुनाने आया हूँ। आपकी जो मांगे हैं उस मांग को पूरा करने के लिए आप यहाँ पर आए? बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है? हम लोग को कंटिन्यू धरना प्रदर्शन देंगे, चक्का जाम करेंगे, जब तक हमारी पूरी मांग नहीं होगी तब तक हम लोग लड़ाई जारी रखेंगे। वहाँ हम लोग गए थे राज स्वास्थ्य समिति, आज हम लोग गए थे अपने ईडी सर से मिलने के लिए गए थे, लेकिन हमारे ईडी सर हम लोग को देख के ही भाग निकले, देख कर ही भाग लिए। एनएम बहनों से उनको डर लगता है क्योंकि हम लोग का कोई सुनने वाला नहीं है, जगह जगह का दरवाजा खटखटा रहे हैं। और आज हम अपने ईडी सर से भी मिलने आए हैं, अपनी अपनी मांगों को बताने आए हैं कि हमारी ये मांगे हैं और हमारी मांगे जायज है। सरकार फिर भी नहीं सुन रही है आपकी, लगातार 22 दिन से आप गर्दनी वगैरह धरना स्थल पे थे। बिल्कुल नहीं सुन रही है, तो सुनाना भी मुझे अच्छी तरह से आता है। हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और रहेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग गर्दनी बाग में बैठेंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा देख लिया, धरना प्रदर्शन का 22वां दिन था और आज हमारे बहन साहब मंत्री आवास भी गए थे मिलने के लिए, वहां पे आवास में मंत्री नहीं मिले, मिलने से डर रहे। अब जो कि पहला वीडियो हम आपको दिखाए वीडियो क्लिप में, जो कि तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री के आवास पर भी आज हमारे एनएम बहन सब गए थे धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, तेजस्वी यादव मिलने से मना कर दिए। उसके बाद सेकेंड वीडियो में आपको दिखाए हैं फिर से हमारे बहन सब बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति भवन का घेराव किए और ईडी सर से मिलने के लिए गए थे, ईडी सर हमारे बहन को देखकर ही भाग गए और नहीं मिले। तो दोस्तों आलम यही है, जो मंत्री साहब और पदाधिकारी भी अब मिलने से डर रहा है, कोई नहीं मिलना नहीं चाह रहा है, आलम यही बन चुकी है। दोस्तों ऐसे ही अगर 5 से 10 दिन और धरना प्रदर्शन अगर आप लोग कंटिन्यू करते रहे तो सरकार झुक जाएगी और हर हाल में जो एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो हर हाल में वापस ले लेगा, क्योंकि आपको ही पता है आगे चुनाव है। और अभी आलम यह हो चुका है, देख लीजिए जो मंत्री भी अब मिलने से डर रहा है, स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव वो भी अब मिलने से डर रहे हैं हमारे एनएम बहन से, और पदाधिकारी तो पहले ही से डर रहे हैं। तो जो कि वीडियो क्लिप में खुद देखे, पहले वीडियो हम आपको दिखाए जो मंत्री आवास के स्वास्थ्य मंत्री आवास को घेराव किए थे हमारे बहन, जो कि वहां पर मिलने से डर रहे थे, वहां नहीं मिल पाए। उसके बाद दूसरी क्लिप में, वहां वीडियो क्लिप में आपको दिखाए हैं जो व्यारा स्वास्थ्य समिति भवन का घेराव किए, वहां ईडी सर से मिलने के लिए हमारे बहन गए, ईडी सर डर से भाग गए, नहीं मिल पाए। तो दोस्तों जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं पहुंच पाए धरना स्थल पर, जो भी स्टूडेंट अभी सहयोग नहीं कर रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती है आप लोग भी जाइए और सहयोग कीजिए, क्योंकि इतना आवाज़ बुलंद हो चुकी है हमारे बहन का, जो कि हर हाल में सरकार को झुकना पड़ेगा। आलम यही है, जो पदाधिकारी भी मिलने से डर रहा है और मंत्री भी मिलने से डर रहा है, इसीलिए अगर ऐसे ही है एक सप्ताह और कंटिन्यू चलता रहा है धरना प्रदर्शन तो सरकार हर हाल में मान जाएगी, जो कि खुद आप वीडियो क्लिप में देखें, दो वीडियो क्लिप हम आपको दिखाए। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो हम समझाना चाह रहे हैं हम समझ गए होंगे। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जैसे ही विभाग की तरफ से कोई भी अपडेट आएगा वीडियो बनाएंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। जो भी स्टूडेंट अभी धरना स्थल पर नहीं पहुँच रहे हैं, जो VTC AN 10709 पोस्ट को चाहते हैं कौंसलिंग के आधार पर वैकेंसी क्लियर हो, बट आप धरना स्थल पर नहीं जा रहे तो आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है आप लोग भी जाइए, क्योंकि 22 दिन से हमारे NM बहन धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और देख लीजिए कल से रोड पर आ गए हैं। कभी CM आवाज़ आ रहे हैं, कभी स्वास्थ्य मंत्री आवाज़ आ रहे हैं, तो कभी देख लीजिए बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति भवन का घेराव कर रहे हैं, तो कभी VTC ऑफिस जा रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं। इसीलिए जो भी स्टूडेंट नहीं पहुँच रहे हैं सभी स्टूडेंट पहुँचिए और यूनिटी में आप लोग आवाज़ उठाइए, क्योंकि अब आप लोग की आवाज़ बुलंद हो चुकी है और सरकार हर हाल में झुकेगा ही झुकेगा। इसीलिए अपनी आवाज़ को एक सप्ताह और बुलंद करके रखना है और एक सप्ताह कंटिन्यू आप लोग धरना प्रदर्शन पर रहिए, सरकार हर हाल में मान जाएगी। और ये वीडियो को जितना हो सके सोशल मीडिया पर आप लोग शेयर कीजिए। थैंक यू।